इंद्रजीत यादव आप लोगों को लेकर आया हूँ 3 BHK यूनिट फ्लैट, जो कि एक फ्लोर पे दो फ्लैट बने हुए हैं। 1350 स्क्वायर फीट में फ्लैट बना हुआ है, आप देख सकते हो। अंदर एंट्री करते ही हमारा ड्राइंग रूम आता है, ड्राइंग रूम में आप देख लो सामने आपके बहुत ही प्यारा वॉलपेपर और डिजाइन किया हुआ वुडन वर्क मिल जाता है, जो कि बहुत शानदार है। इसमें स्पीड का पॉइंट यहाँ पर हमें मिल जाता है, तो ये हमारा स्पीड का पॉइंट हो जाता है दोस्तों। अब बात करते हैं साइज़ की, तो एक बार आप देख लो ड्राइंग रूम का साइज। ये हमारा ड्राइंग रूम का साइज हो गया साइज, एक बार देख लीजिए ड्राइंग रूम में, ड्राइंग रूम का साइज आप देख लो। इसमें फुल सेलिंग का काम काफ़ी अच्छा हो रखा है, पंखे झूमर सब कुछ प्रोवाइड करा के दे रहे हैं, आप देख सकते हो। तो ये हमारा फुल सेलिंग हो गया दोस्तों। अब यहाँ बात करते हैं हम सामने, तो ये देख लीजिए वुडन वर्क बहुत ही काफ़ी सुंदर वुडन वर्क हो रखा है। बात करते हैं हम इस ड्राइंग रूम में, तो यहाँ पे हमें बहुत ही बड़ा LED पैनल मिल जाता है, जो कि हम LED TV लगा सकते हैं यहाँ पे। ये हमारा LED पैनल हो जाता है, आप देख सकते हो। LED पैनल में हमें ड्रो मिल जाते हैं, काफ़ी सारे ड्रो मिलते हैं, ये हमारे ड्रो हो जाता है। तो ये हमारी LED पैनल हो गया, ये हमारा LED पैनल हो गया। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा साइज में बना हुआ है, यहाँ पे हमारा बिल्कुल L-शेप में सोफ़ा आ जाएगा, आप देख सकते हो। और यहाँ पे हमें स्पीड का पॉइंट मिल जाता है, दोस्तों। अब बात करते हैं हम कॉमन वाशरूम की, तो हमारा ड्राइंग रूम से अटैच ये हमारा कॉमन वाशरूम हो जाता है। कॉमन वाशरूम का साइज आप देख लो एक बार, काफ़ी शानदार तरीके से साइज है। ये हमारा कॉमन वाशरूम हो जाता है दोस्तों। अब बात करते हैं हम किचन की, तो यहाँ पे मिलती है हमें मॉड्यूलर किचन, जो कि L-शेप में किचन बनी हुई है, आप देख सकते हो बिल्कुल ओपन किचन है। ऊपर के साइड में हमें यहाँ पर स्टोरेज मिल जाते हैं, यहाँ हमें मिल जाता है चिमनी, तो ये हमारी चिमनी मिल जाती है और साथ काफ़ी सारे स्टोरेज मिल जाते हैं। यहाँ पे हमें इस ये विंडो मिल जाता है, और यहाँ पे सैनिटरी का काम आप देख लो, सैनिटरी के काम हो रखा है इसमें, वहाँ सैनिटरी का काम हो गया दोस्तों। अब बात करते हैं ड्रो की, तो आप देख सकते हो नीचे आप काफ़ी सारे ड्रो दिए हुए हैं, जो कि मॉडलर किचन है। ये हमारी किचन हो जाती है, आप देख लो एक बार, किचन में भी फॉल सेलिंग का काम काफ़ी अच्छे तरीके से हो रखा है। यहाँ पे हम फ्रिज का पॉइंट दे रखे हैं, आप यहाँ पर फ्रिज लगा सकते हो। तो ये हमारी किचन हो गई, जो L-शेप में किचन बनी हुई है। तो अब दोस्तों बात करते हैं हम बेडरूम की, तो चलते हैं यहाँ से। हमारा फर्स्ट बेडरूम स्टार्ट है, क्योंकि आप देख सकते हो फर्स्ट बेडरूम में एंट्री करते ही हमें सामने यहाँ पर बहुत बड़ी अलवेरा मिल जाती है, तो ये हमारी अलवेरा है। और इसमें हमें यहाँ पे स्पीड का पॉइंट मिल जाता है, स्पीड AC का पॉइंट मिल जाता है। ऊपर फुल सीलिंग पंखे लग चुके हैं, फुल सीलिंग काम आप देख लो काफ़ी शानदार तरीके से हो रखा है। ये दीवार पे यहाँ पे वॉलपेपर मिलता है, जो कि आप देख सकते हो बहुत ही काफ़ी अच्छा वॉलपेपर है। और साइज़ की बात करें तो काफ़ी अच्छा साइज़ में बना हुआ है, आप देख सकते हो, बस साइज़ देख लो इसका। ये हमारा फर्स्ट बेडरूम हो गया। बेडरूम में ये साइज़ की बात करें तो अलवेरा को छोड़ करके 10x9 का साइज है, अलवेरा को छोड़ के, अलवेरा लेकर के ज़्यादा है 13x9 का साइज है अलवेरा को लेकर के, लेकिन अलवेरा छोड़ करके 10x9 का साइज बचा हुआ है। तो आप देख सकते हो काफ़ी स्टोरेज ऊपर भी बने हुए हैं इसमें, और नीचे अलवेरा है। तो दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से बनाया गया है और बहुत बढ़िया चीज़ है। अब हम चलते हैं दूसरे बेडरूम की तरफ, तो फिर हम एंट्री होते हैं ड्राइंग रूम में। ड्राइंग रूम में एंट्री होते ही हमारा ये ड्राइंग रूम है, आप देखिए ही एक बार ड्राइंग रूम, ये हमारे ड्राइंग रूम में। अब बात करते हैं दूसरे बेडरूम की, तो चलते हैं दूसरे बेडरूम की तरफ। तो दोस्तों यहाँ से हमारा दूसरा बेडरूम है, ये
आप देख सकते हो ये हमारा दूसरा बेडरूम है। दूसरे बेडरूम में एंट्री करते हैं, ये हमारा ये सामने देख लो डेड बेडरूम का साइज देख लो, काफ़ी शानदार तरीके का साइज है। इसमें भी हमें फुल सीलिंग का काम मिल जाता है, पंखे लगे हुए हैं और दीवार पे हमें यहाँ पे मिलती है बहुत ही शानदार टेक्चर पेंट। आप देख सकते हो बहुत ही शानदार टेक्चर पेंट हो रखा है। इसमें स्पीड का पॉइंट मिल जाता है, तो दोस्तों ये हमारा स्पीड का पॉइंट हो गया था। इस बेडरूम में भी हमें यहाँ पे अलवेरा मिलती है जो कि आप देख सकते हो स्लाइडिंग अलवेरा है। तो काफ़ी साइज अच्छे साइज में ये बेडरूम बना हुआ है, काफ़ी अच्छे साइज में बेडरूम है। पीछे ये सॉफ्ट है, साइज एक बार आप देख लो, फिर से साइज देख लो आप एक बार दोबारा, ये हमारा बेडरूम का साइज होता है। तो बात करते हैं हम तीसरे बेडरूम की, तो चलते हैं तीसरे बेडरूम की तरफ फटाफट, यहाँ से हमारा तीसरा बेडरूम है। तो दोस्तों वीडियो पर नए हो, चैनल पे नए हो, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें और वीडियो को देखने के बाद कमेंट जरूर करें। जे कैसी वीडियो लगी हमारी एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं और दिए हुए नंबर पर कॉल करके आप विजिट कर सकते हो इस पर। तो इस बेडरूम में एंट्री हमारी हो गई है और ये सामने आप देख रहे हो सामने वॉलपेपर लगा हुआ है जो कि काफ़ी अच्छे लुक दे रहा है, काफ़ी शानदार तरीके का वॉलपेपर लगा हुआ है इसमें, ये हमारा वॉलपेपर है। और बात करते हैं बेडरूम की, तो 12 बाई 10 का बेडरूम का साइज है। सामने हमें यहाँ पर बहुत बड़ी अलवेरा मिल जाती है जो कि आप देख सकते हो बहुत ही शानदार अलवेरा है। यहाँ पर LED पैनल मिल जाता है, LED पैनल मिल जाता है, ये हमारी अलवेरा है। ऊपर फॉल सीलिंग का काम आप देख लो, फॉल सीलिंग का भी काम काफ़ी अच्छा तरीके से हो रखा है इसमें, ये फॉल सीलिंग का काम है। और एक बार साइज़ की बात कर लेते हैं, तो साइज़ आप एक बार देख लो 12 बाई 10 का साइज़ है। तो रूम का साइज काफ़ी अच्छा है। डिमांड की बात करें 65 लाख की डिमांड है, 65 लाख रुपये की डिमांड है। इसमें अटैच वाशरूम मिल जाता है हमें यहाँ पर, तो ये हमारा अटैच वाशरूम है आप देख सकते हैं, ये हमारा अटैच बाथरूम हो जाता है इस बेडरूम के साथ। तो दोस्तों साइज एक बार फिर देख लो आप, अब बात करते हैं बालकनी की। तो यहाँ से हमारी बालकनी है, देख सकते हो काफ़ी बड़ी विंडो लगी हुई है इसमें, लकड़ी का काम तो काफ़ी अच्छा हो रखा है, बहुत शानदार तरीके का लकड़ी का काम हो रखा है इसमें। SS का गेट मिल जाता है जो कि ये वाला गेट मिल जाता है आपको इसमें, और ये हमारी बालकनी हो जाती है आप देख सकते हो, ये हमारी बालकनी है। और बाहर का व्यू आप देख लो, बिल्कुल शानदार तरीके से बाहर से चौड़ी रोड है। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा फ्लैट है, यहाँ पे हम वॉशिंग का पॉइंट दे रखे हैं, आप देख सकते हो वॉशिंग मशीन आप लगा सकते हो। तो हम चलते हैं और मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार।